नागपुर शहर के विश्वसनीय अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आगामी 16 जनवरी से 21 जनवरी तक 11वें बाल शल्यक्रिया मिशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस मिशन का शुभारंभ 16 जनवरी को सुबह 7:30 बजे होगा। इस मिशन में अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें नागपुर समेत समूचे विदर्भ के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चे निःशुल्क इनकी सर्जरी की जाएंगी, जिनमें जन्म से ही अलग अलग तरह के शारीरिक दोष है। इनमें नवजात शिशुओं से लेकर 18 साल की उम्र तक सभी मरीज शामिल है। जीएसबी सभा नागपुर, पीड़ पराई इंटरनेशनल और बाल मित्र फाउंडेशन के सहयोग से अरिहंत हॉस्पिटल अपने प्रति मरीजों के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरते हुए एक और नेक पहल करने जा रहा है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें सर्जरी के चुने गए सभी बच्चे गरीब रेखा के नीचे आते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर इनकी पहचान की है और इन्हें मरीज के लिए चुना गया है। यह इस आयोजन का 11वां साल है। इस शिविर में आयोजकों द्वारा हर बच्चे के साथ 2 लोगों के खाने पीने और रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। खाने में भी पोषण आहार विशेषज्ञ द्वारा विशेष डाइट दी जाएगी, ताकि मरीज का सटीक उपचार हो सके एवं उनके पाव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरिहंत स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस नए काम में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और इलाज के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है। खास बात यह है, यह शिविर सामूहिक प्रयास का नतीजा है, जिसमें बालाजी मंदिर सभा के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र नायक, बाल मित्र फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेंद्र सावजी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड आदि देशों में से बसे डॉक्टर, पैरामेडिक, एनेस्थेटिक्स एवं अप्रवासी भारतीय भी सहयोग कर रहे हैं, जो नॉन मेडिको होते हुए भी सेवा भाव से अपना सहयोग करने आते हैं। वो स्वयं के खर्चे पर आकर रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। इसी तरह विदेशों की एक संस्था पीड़ पाई इंटरनेशनल को भी इस मिशन के लिए रजिस्टर किया गया, जो इस कार्य में सहयोग करती है। इसके चेयरमैन डॉक्टर अश्विन पिंपलवार नागपुर से ही है एवं स्वयं पीडियाट्रिक सर्जन है। उन्होंने इस मिशन में कई लोगों को शामिल करने में मदद की है और इसलिए इस आयोजन को कैम बहरबान क्रिया मिलन का नाम दिया है। सर्जरी के अलावा अवश्य फिजियोथेरेपी एवं जांच भी मुफ्त में की जाती है। इतना ही नहीं, जब मरीज ठीक होकर जाते हैं तो उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। बच्चों में पाए जाने वाले जन दोष में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, पसली का दबा रहना, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होना या शारीरिक विकास में बाधा आना जैसी समस्याएं होती है। जन्म से आहार नली का ना होना, श्वास नली और आहार नली का आपस में जुड़ा होना, किडनी पर सूजन रहना, मूत्र नली का ना होना, बड़ी आंत में कब्ज दोष रहना, मलद्वार ना होना आदि शामिल है। कुछ संक्रमण भी होते हैं जो घर में पालतू कुत्ते या मांसाहारी भोजन करने की वजह से होते हैं। इसके अलावा लीवर, फेफड़ों में मिस्ट रहना, पैर मुड़े हुए होना, छाती एवं मिनी के विभिन्न दोष, अंडकोश का जगह पर ना होना, हर्निया आदि ऐसी अनेक तरह की बीमारियां हैं जो पैदाइशी है और जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाल शल्यक्रिया एवं बाल रोग विभाग की टीम डॉक्टर राजेंद्र सावजी के नेतृत्व में इस पूरे मिशन की देखरेख कर रहे हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं समस्त कर्मचारीगण पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये मिशन का नाम है बाल शल्यक्रिया मिशन। ये इसका 11वां एडिशन है। इस मिशन के दौरान बच्चों के जो जन्मजात या जिसको बर्थ डिफेक्ट्स या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस बोलते हैं, या व्यंग के ऑपरेशंस नवजात बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की जटिल बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी की, खाने के नली की, मूत्रपिंड पे सूजन रहने की, पेशाब का रास्ता ठीक ना होने से, गुदद्वार का रास्ता ना होने वाले, ऐसे अनेक बीमारियाँ हैं और जो पैदा होने के बाद भी जो बीमारियां होती है, लेकिन जिनमें सर्जरी लगती है, शल्यक्रिया लगती है, ऐसे बच्चों का समावेश किया हुआ है। यह मिशन 16 तारीख से लेके 21 तारीख जनवरी 2023 तक चलेगा। इसके लिए जो बच्चों को दाखिल किया गया है 10 तारीख से किया गया है, और जो बच्चों को इसके बाद ऑपरेशन के बाद भी जितना भी समय लगेगा, ये सेवा पूरी जब तक घर नहीं जाते पूरी की जाएगी। और इतना ही, जब वापस बाहर में वापस से आएंगे दिखाने के लिए, तो अधिकतर बच्चे जो एक बड़े ऑपरेशन से होते हैं, उनको साल भर तो भी कम से कम हर महीने में एक बार देखना पड़ता है।
माझ्या मुलीच्या छातीमध्ये खूप असं वाघ झाली आहे आणि गड्डा पडला आहे तिला, चालायच्या वेळेस असं खेळायच्या वेळेस दम येतो तिला, खोकलण्याचा त्रास होतो, सर्दी खोकलं असलं त्यावेळेस तिला तर लहानपणापासूनच त्रास होत आहे. ठीक झालं तर छान वाटतं. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडे के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपूर.